पहली बार जब फेम आता है ना लाइफ में तो लगता है भाई कुछ कर लिया मैंने, बिकॉज द वर्ल्ड मेक्स यू फील लाइक दैट। टीएमडी की जर्नी ये थी, वहाँ पे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी। जब मैं निकला बाहर तो मुझे बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिली सभी दोस्तों से, सभी लोगों से, यू नो अंदर दी स्कूल गाइज जिन्हें आप बचपन में मानते, ये तो बहुत कूल है, तो भाई बहुत बड़े हैं, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सब 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 वो सब बैरियर बैरियर सब जगह से मुझे इतनी रिस्पेक्ट, बहुत प्यार, ये वो सारी चीज़ें, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने शुरू किया रियलिटी शो के, जिस बात आप यहाँ होते हो धीरे 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 आपके लिए वापस यहाँ आती है, यहाँ से ऊपर बट यहाँ से बहुत नीचे। तो जब ये चीज़ होने लगी मुझे रियलाइज़ हुआ कि चार महीने पहले तो भाई मैं स्पेशल फील कर रहा था, अब तो वापस वही चीज़ होने लगी। तो मैंने डी आई डी के लिए फिर उस टाइम पे फिर से ऑडिशन दिए। अब मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि कुछ दिन बाद ही यहाँ आने वाला है, और एक समझ गया कि ना वैल्यू आपकी नहीं है, आपकी अचीवमेंट्स की हैं, और जो अचीवमेंट आपकी है वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगी। ऑब्वियसली आपने वो अचीव कर लिया है, बट उसका एक जो सर्टन मैजिक होता है ये बहुत टेम्परेरी है, कुछ टाइम तक देखेंगे, उसके बाद आपका वो क्रेज या आपकी वो स्पेशल फील होना आपकी वो सब धीरे धीरे चला जाता। तो एज अ ह्यूमन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस, यू आर नॉट स्पेशल, व्हाट यू आर अचीविंग इज स्पेशल।